गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ज्योति कंचन पर रसलाल विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम गगन, आई एम इंग्लिश टीचर। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 11। ओके, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट ओपन योर रिवाइज बुक एंड लुक एट पेज नंबर 56। ओके, आप सब अपना इमेज बुक निकालो और पेज नंबर यानी कि 56 निकालो। ठीक है, 56 नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर ए देखो। क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो इसमें क्या करना है? टिक करना है खाली, जो राइट है उसमें से हमें चूज करके लिखना है। ये ऑप्शन दिया गया है, सो लेट अस स्टार्ट। ए का वन नंबर है तुम्हारा, द हिंदू वर्शिप गणेशस लक्ष्मी एंड गणेश ऑन डेक्स। दशहरा होगा या दिवाली होगा या होली होगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट स्टूडेंट? कि द हिंदू वर्शिप गणेशस लक्ष्मी एंड गणेश, यानी कि गणेश लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा कब किया जाता है? दशहरा में किया जाता है या दिवाली में किया जाता है या होली में? द आंसर विल बी व्हाट? दिवाली। ओके, सो वी हैव टू टिक हियर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, देन कम टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, गुरु पर्व इज द मेन फेस्टिवल ऑफ डेक्स। गुरु पर्व जो होता है वो यानी कि किसका? ओके, तो गुरु पर्व इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदू और द मुस्लिम और द सिख। ये इनका प्रमुख यानी कि त्योहार है। तो हिंदू का है या मुस्लिम का है या सिख का है? किसका है? गुरु पर्व जो होता है वो सिख का होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वी हैव टू टिक हियर। ठीक है, यानी कि सी नंबर जो है वही तुम्हारा राइट आंसर है, यानी कि राइट ऑप्शन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ डेक्स। क्रिसमस जो है वो किसका बर्थडे है? राम का या जीसु का, यानी कि गुरु नानक का? किसका पार्टी है, यानी कि किसका पार्टी को हम लोग क्रिसमस के रूप में मानते हैं? तो ये होगा तुम्हारा जीसु ख्रिस्ट। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, वंस अगेन, द हिंदू वर्शिप गणेशस लक्ष्मी एंड गणेश ऑन दिवाली। देन क्वेश्चन नंबर 2, गुरु पर्व इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द सिख। देन थर्ड नंबर, क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसु क्रिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर ए इज कंप्लीट स्टूडेंट। देन ओके स्टूडेंट, देन कम टू क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, विद द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स, गिवन इन द बॉक्स। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहां पे बॉक्स में लिखा गया है, तो आंसर क्या गया है यहां पे लिखा गया, देखो, ईद then month, then national, then Hindus। okay, यहाँ पे कितने आंसर दिया गया है? 1, 2, 3, 4 का आंसर दिया गया है और इसका 4 क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, रमजान इज द नेम ऑफ ए डेक्स, नेम ऑफ ए डेक्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, द गांधी जयंती गांधी जयंती
इज ए डेक्स फेस्टिवल, इज ए डेक्स फेस्टिवल। ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ, फेस्टिवल ऑफ द डेक्स। ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है डेक्स इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, डेक्स इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, मेन फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। ओके तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स देख रहे हैं यानी कि ब्रैकेट देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी आंसर दिया गया है, तो इसमें से हमें क्या करना है चूज करके लिखना है और फिल अप करना है। ओके तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा रमजान इज द नेम ऑफ ए डेक्स। रमजान जो है वो क्या है, वो ईद का नाम है या मन का नाम है या इस्लाम का नाम है, कौन सा है इसमें से? तो ये रमजान जो है, रमजान इज द नेम ऑफ ए मंथ, ये मंथ का नाम है। ओके सो वी हैव टू राइट हियर मंथ। ओके रमजान जो है वो एक मंथ का नाम है, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन क्या है, द गांधी जयंती इज ए डेक्स फेस्टिवल। गांधी जयंती जो है वो कौन सा फेस्टिवल है, ईद होगा या नेशनल होगा या हिंदू होगा, ये एक नेशनल फेस्टिवल है। सो वी हैव टू राइट हियर नेशनल। ओके तो द गांधी जयंती इज ए नेशनल फेस्टिवल। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द डेक्स, यानी कि दिवाली जो है ये किसका त्योहार है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा हिंदू, यानी कि ये हिंदू का त्योहार यानी फेस्टिवल से। ओके तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। देन क्वेश्चन नंबर फोर, डेक्स इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम का मेन फेस्टिवल कौन सा है, ईद। ओके ईद होगा तुम्हारा राइट आंसर। ओके वंस अगेन, रमजान इज द नेम ऑफ ए मंथ। क्वेश्चन नंबर टू, द गांधी जयंती इज ए नेशनल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर थ्री, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। Then question number 4, Eid is the main festival of the Muslims. Okay, question number 2 is completed. Okay, then, okay student, then come to question number 6. Question number 6 का question क्या है? Write T for true and F for false statement. यानी कि जो true है उसमें हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे और जो false है उसको हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। तो C number का one number क्या है? पहला number जो है द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड ऑन 15th August, 15 August. Okay, then question number 2, India got freedom on, India got freedom, freedom on 26 January. Okay, then question number 3. Question number 3 है, Gandhi is called the, Gandhi is
सन। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4, हिज मास इज द Krishnamas is the main festival of the Hindus Question number 5, India is called the land of land of festivals. Okay, then क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को हम लोग यानी कि स्वाधीनता दिवस बोलते हैं, वो मनाया जाता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, सो वी हैव टू राइट हियर टी। ओके देन सेकंड नंबर, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 26 जनवरी 1950, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, so we have to write here F. okay, then third number, Gandhi is called the father of our nation, is it true or false? It is true, क्योंकि father of nation कहा जाता है Gandhi, ये होगा हमारा true. okay, then question number 4, Christmas is the main festival of Hindu, Christmas जो है ये हिंदुओं का main त्योहार है, is it true or false? ये यानी कि लोगों का है, ठीक है, तो ये हिंदू का नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, वो एक राइट हियर एफ, ये फॉल्स है, ठीक है। देन फाइव नंबर, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी कि इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, सो वी हैव टू राइट हियर टी। वंस अगेन, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, इट इज ट्रू। देन टू नंबर, India got freedom on 26 January 1950. That is false. Question number 3, Gandhi is called the father of our nation. That is true. Then question number 4, Christmas is the main festival of the Hindus. That is false. Question number 5, India is called the land of festivals. It is true. Okay. Question number 6 is completed. Okay. तो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका डी नंबर का वन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी सेलिब्रेटेड ऑन द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेटेड करते हैं, तो इसका आंसर होगा, ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन 1950, सो दैट वी सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे। ओके बस इतना ही लिखना है। Once again, one number is, why do we celebrate the Republic Day? The answer will be, on this day, the Constitution of India was adopted in 1950. So that, we celebrated the Republic Day. Okay? Then, question number 2, why is Diwali celebrated? Celebrated, kyun mana jata hai? Answer hoga, on this day, Lord Rama returned to Ayodhya. Okay, student? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड, आंसर विल बी ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या, बस इतना ही होगा आंसर इसका। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज होली सेलिब्रेटेड, होली कैसे मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा, पीपल एंजॉय थ्रोइंग ड्राई एंड वेट कलर्स ऑन ईच अदर्स। ओके वंस अगेन, पीपल एंजॉय थ्रोइंग ड्राई एंड वेट कलर्स ऑन ईच अदर। स्टूडेंट देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स क्या है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, तो ये फोर नंबर जो है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि नेशनल फेस्टिवल मींस क्या समझते हो? इसका आंसर होगा फेस्टिवल्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, फेस्टिवल्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज गुरु पर्व सेलिब्रेटेड, गुरु पर्व कैसे मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑन दिस डे गुरुद्वार आर, ऑन दिस डे गुरुद्वारस आर इल्यूमिनेटेड, पीपल टेक कम्युनिटी मील कॉल्ड लंगर्स। ओके, यानी कि इस दिन, यानी कि गुरुद्वार में लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठकर लोग क्या करते हैं, जो यानी कि मील्स यानी खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंगर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। वंस अगेन, हाउ इज गुरु पर्व सेलिब्रेटेड, गुरु पर्व कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन दिस डे गुरुद्वारस आर इल्यूमिनेटेड, पीपल टेक कम्युनिटी मील्स कॉल्ड लंगर्स, यानी कि इस दिन, यानी कि गुरुद्वार में, यानी कि लोग बैठकर वहां पर क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लंगर्स बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस फेस्टिवल्स, गिव नेम्स ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या है और उसका कुछ नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, यानी कि पर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, त्यौहार मानते हैं। तो उसमें से क्या है, दिस फेस्टिवल्स क्रिएट ए फील ऑफ लव, फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है होली, दिवाली एंड ईद। वंस अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस फेस्टिवल, गिव नेम ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो आंसर विल बी पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, दिस फेस्टिवल क्रिएट ए फीलिंग ऑफ लव, फॉर एग्जाम्पल होली, दिवाली एंड ईद। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ए से ही डी नंबर तक पूरा कंप्लीट हो चुका। ओके, इसको पहले बुक में लिख लेना है, उसके बाद कॉपी में लिख लेना है, इस कॉपी में। ओके।